जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे पासवर्ड फील्ड के बारे में। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं जिसमें लॉग इन स्क्रीन हो, साइन अप स्क्रीन हो सकता है, मतलब कि अल्टीमेटली एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो है टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं स्विंग में वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड क्या करता है, टेक्स्ट फील्ड आपको क्रिएट करके देता है। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो एक हमको टेक्स्ट फील्ड बन के मिलता है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में बहुत सारी मेथड जो कि जे टेक्स्ट कंपोनेंट से इनहेरिट हुई है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक न्यू टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करके देता है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इंट कॉलम, ये इसको छोड़ देते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, बाकी आप इसको रीड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद जे टेक्स्ट फील्ड इंट कॉलम पैरामीटराइज है, मतलब आप कितना बड़ा टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर्स हैं और कितने कॉलम वो आप यहाँ बता सकते हैं। अगर मैंने कहा 20 तो लगभग ये कुछ ऐसा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगा जिसमें आपको 20 कैरेक्टर्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंग पैरामीटराइज, यहाँ पर स्ट्रिंग पास करते हैं इस कंस्ट्रक्टर में तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगा जहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ आपको मिलेगा। इस तरह से स्ट्रिंग और इंट कॉलम, तो स्ट्रिंग और प्लस कॉलम वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे ये काम करता है। इसके बाद आपके यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स मिल जाती हैं जैसे कि ऐड एक्शन रिलेशन, तो आप इसमें भी एक्शन रिलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे कि हमने बटन में किया हुआ था। तो आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये भी एक क्लिक इवेंट को हैंडल कर सकता है एक्शन रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, गेट कॉलम, गेट गेटर सेटर आपको मिल जाएंगे यहाँ बहुत सारे, सेट टेक्स्ट मिल जाएगा आपको अगर टेक्स्ट को सेट करना है तो, ठीक है। तो जो ये मेथड्स आपको इस क्लास में नहीं मिलेंगी, ये इनहेरिट हुई है इनकी पेरेंट क्लास से। तो ये जेट टेक्स्ट कंपोनेंट में आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएंगे, कट कॉपी पेस्ट के लिए आपको मेथड मिल जाता है यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल के लिए एक मेथड है, ओके। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, तो आप इसको रीड करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक जो इसका यूज है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ जो बेसिक कोड है वो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर को उठा लिया, यहाँ से कुछ कोड है जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा न्यू जावा क्लास क्रिएट करेंगे, हमने कहा एप सिक्स क्रिएट किया ना, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पर करने होंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर का जो कर्ली ब्रैकेट था वो क्लोज किया, यहाँ पर फ्रेम का कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया ना, नेम चेंज करे हमने कहा एप सिक्स, कंस्ट्रक्टर एप सिक्स का कॉल करना है हमको, ओके। तो एप सिक्स का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो बेसिक जो कोड था वो मैंने जस्ट कॉपी किया हुआ, जैसे कि विजिबल करना, टाइटल सेट करना, ओके। तो ये सारा चीज़ मैंने कॉपी किया। तो बॉर्डर लेआउट मैंने यहाँ सेट किया, तो बॉर्डर लेआउट सेट ना करके मैं यहाँ पर फ्लो लेआउट को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा फ्लो लेआउट, न्यू फ्लो लेआउट इंट अलाइनमेंट चाहिए आपको, तो अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। तो हमने कहा फ्लो लेआउट डॉट डॉट सेंटर, इसके बाद आप यहाँ पर हाइट एंड विड्थ पास कर सकते हैं। मैंने कहा 20, 20, ठीक है। तो ये मैंने हाइट एंड विड्थ पास किया हुआ। नाउ यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है फ्लो लेआउट में वो एक बार देख लेते हैं। फ्लो लेआउट सेट लेआउट, ओके। तो फ्लो लेआउट में आपको यहाँ पर पास करना है, ये मैंने कहा 20, 20, डन। तो अब मुझे जे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, तो जे टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो आपको जो कैरेक्टर्स आपने टाइप किए वो आपको दिखाई देते हैं। पासवर्ड फील्ड में आपको कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको एस्ट्रिक इस तरह से दिखाई देगा जो कि हाइड होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इन बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्राइवेट जे बटन, ठीक है, रहने देते हैं। हमने कहा प्राइवेट जे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। हमने कहा टेक्स्ट फील्ड, हमने कहा ईमेल, देन पासवर्ड फील्ड भी क्रिएट कर लेते हैं साथ ही साथ। तो मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड फील्ड क्रिएट करेंगे, हमने कहा प्राइवेट जे पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड भी सेम टेक्स्ट फील्ड की तरह है, बस उसमें जो कैरेक्टर हम टाइप करेंगे वो आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा पासवर्ड फील्ड आ गया, ओके। तो मैंने कहा पासवर्ड, डन। अब इसे इनिशलाइज कर देते हैं। तो हमने कहा ईमेल इज इक्वल टू हमने कहा न्यू जे टेक्स्ट फील्ड और साइज उसको आपको बताना है, तो कितने कॉलम साइज का। तो मैं अभी जीरो पैरामीटराइज रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये जीरो पैरामीटराइज और स्ट्रिंग पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड और ये भी जीरो पैरामीटराइज रहने देते हैं। इसके बाद मैं फ्रेम में ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कहा दिस डॉट ऐड, मैंने कहा ईमेल को ऐड करना है और इसके बाद मुझे पासवर्ड को भी ऐड करना है।
डन, पासवर्ड ऐड कर दिया मैंने, ईमेल ऐड कर दिया फ्रेम में। नाउ फ्रेम को रन करते हैं तो आप देखोगे कि मैं रिसाइज करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, इसका कोई साइज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इन कॉलम जो पैरामीटराइज है वो आपको बताया। तो आप इसकी हेल्प से आप इसका साइज सेट कर सकते हैं। तो अभी कोई साइज नहीं था ना, इसे हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर मैं साइज सेट कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे ये 20 कॉलम लेंथ का चाहिए कॉलम, और यहाँ पर भी 20 कॉलम, यहाँ पर 20 कैरेक्टर आप कह सकते हैं। नाउ इसे रन करते हैं तो आप इसका डिफरेंस वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसको देखा तो आपने 20 ये इस तरह से आपको दिखाई दिया, ठीक है। ओके, तो कॉलम साइज एक बार हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो मैंने पासवर्ड फील्ड है उसमें मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए है 50 कैरेक्टर लेंथ का। तो मैंने नाउ इसे रन किया तो आप देखोगे कि ये इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका साइज को मेंटेन कर सकते हैं, फाइन। और स्ट्रिंग पैरामीटराइज था एक और, तो मैंने कहा यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो आपको वहां पर सेट होके मिलेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग पास किया, मैंने कहा पटेल वीरेंद्र 62@gmail.com, gmail.com, ठीक है। और इसे रन करते हैं तो हमने इसे रन किया तो अब आप क्या देखोगे यहाँ पर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ फेल मिलेगा। और ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर काम करता है। तो आप वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि आप इसकी वैल्यूज को कैसे रीड कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यूज कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटन क्रिएट किया है तो मैं इसका साइज थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, मैंने कहा 20। और जो मैंने यहाँ पर बटन को भी नहीं स्लाइस कर लेते, हमने कहा बटन इज इक्वल टू, हमने कहा न्यू जे बटन और स्ट्रिंग में मैंने कहा रीड ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड एक बटन क्रिएट किया जो कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम ईमेल और पासवर्ड को रीड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस बटन पर हमें एक्शन सेट करना होगा, जाके हम बटन पर क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो। तो बटन पर एक्शन सेट कैसे सेट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने कहा ऐड एक्शन लिसनर एक मेथड है जिसको एक लिसनर चाहिए। तो हमने कहा ऐड एक्शन लिसनर, इसे एक एक्शन लिसनर चाहिए, हमने कहा इन अनोनस क्लास बनाएंगे, हमने कहा न्यू एक्शन लिसनर अनोनस क्लास बन गया है। तो जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म मैथड कॉल होता है। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जस्ट अभी हम क्लिक करके देखते हैं कि ये मैथड रन हो रहा है या फिर नहीं। तो हमने कहा ओके, तो मैंने बटन को ऐड नहीं किया, सॉरी बटन को ऐड करेंगे तो हमने कहा this dot add, हमने कहा बटन को ऐड करना है, बटन को ऐड किया। नाउ एक मैथड है पैक मैथड जो कि अपने कंपोनेंट्स के हिसाब से अपने साइज को फ्रेम को वो ऐड कर सेट कर दो। मैंने कहा दिस डॉट पैक, तो जो फालतू का जो वो था स्पेस से किनारे में वो हट जाएगा और जितने कंपोनेंट्स हैं उस हिसाब से इसका साइज मेंटेन होगा। तो मैंने कहा रन किया तो ये देखोगा आप उस हिसाब से इसका जो साइज है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और मैं जब कहूँगा रीड ईमेल और पासवर्ड तो ये रीड और ईमेल और पासवर्ड उसे रीड करेगा। तो मैंने अभी सर उस पर एक्शन लेसन सेट किया तो ये मैथड कॉल हो रहा है, आप देख रहे होंगे एक्शन परफॉर्म। तो मैं बटन पर जो क्लिक है उसको हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। अब नाउ इस मैथड में हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप पासवर्ड को और उसको रीड करो ईमेल को। तो मैंने कहा एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, हमने कहा स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, मैंने कहा ईमेल जो टेक्स्ट फील्ड है इसको हम कर दे ईएम इज इक्वल टू जो ईमेल टेक्स्ट फील्ड है, मैंने कहा डॉट गेट टेक्स्ट मेथड है जिसकी हेल्प से आप उस टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं, मुझे ईमेल में टेक्स्ट मिल जाएगा। नाउ मैंने कहा स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने कहा जो पासवर्ड फील्ड है हमारे पास डॉट गेट टेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो ये रहा गेट टेक्स्ट मेथड जो कि डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसकी जगह पर आप गेट पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा गेट पासवर्ड यूज करेंगे तो कैरेक्टर एरे रिटर्न करता हमको, लेकिन जो गेट टेक्स्ट है वो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो गेट टेक्स्ट का यूज करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको ये डेप्रिकेटेड है और इसकी जगह आप गेट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने कहा ईमेल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कॉन्कैट किया ईमेल को, देन इसी तरह से मैंने कॉन्कैट किया पासवर्ड को और ये क्या है हमारा, ये हमारा पासवर्ड है, डन। जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ये ईमेल और पासवर्ड रीड करेगा और हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं और आप देखोगे कि जब मैं इस पर ईमेल फिल करूंगा तो आपको यहाँ पर प्रिंट होगा। मैंने जस्ट अभी क्लिक किया तो आप देखो ईमेल और पासवर्ड क्या कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ फिल नहीं किया अभी। तो आप अभी यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग हमको रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ फिल कर लेते हैं। हमने कहा ईमेल डालेंगे, हमने कहा पटेल वीरेंद्र 62@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे 1234567 8 9, ओके। और मैंने कहा रीड ईमेल एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या आया, ईमेल इज इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ये। तो इस तरह से आप इसे रीड करके डेटाबेस में हैंडल कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ईमेल और पासवर्ड को रीड किया। नाउ आप ईमेल और पासवर्ड को रीड करके दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए हमारे पास सेट टेक्स्ट नाम का एक मेथड है। तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ लॉजिक को।
तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक चीज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ रिप्लेस करना है मुझे, तो मैं ईमेल में जो ईमेल था उसको मैं पासवर्ड में सेट कर दूंगा, पासवर्ड को ईमेल में। तो वो कैसे करेंगे, हमने कहा ईमेल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, नाउ एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, हमने कहा टेम्परेरी इज इक्वल टू, हमने कहा ईमेल, तो जो ईमेल का जो टेक्स्ट है वो मैंने टेम्परेरी में डाल दिया हुआ है, ठीक है। नाउ मैं जो पासवर्ड है उसमें मैं ईमेल डाल दूंगा, जो पासवर्ड फील्ड है उसमें मैं ईमेल की वैल्यू को डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने जो ईमेल टेक्स्ट है उसको मैंने टेम्प में डाला हुआ है। नाउ जो पासवर्ड की वैल्यू है वो मैं, जो पासवर्ड की वैल्यू वो ईमेल में डालूंगा, तो मैंने कहा ईमेल 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 डॉट सेट टेक्स्ट, ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, तो क्या टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ, मैंने कहा जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। नाउ जो पासवर्ड फील्ड में मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, मैंने कहा पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं क्या टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ, मैंने कहा टेम्परेरी जो टेक्स्ट है वो, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने स्वैपिंग की हुई है, जो मैं ईमेल डालूंगा वो पासवर्ड में सेट हो जाएगा और जो मैंने पासवर्ड डाला वो ईमेल में। एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखेंगे, मैंने कहा रीड ईमेल, मतलब रिप्लेस कर रहा, तो अभी कुछ नहीं है, तो वहां से रिप्लेस हो रहा होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ए बी सी और यहाँ पासवर्ड डाला 123, नाउ करेंगे रीड, तो ये क्या होगा, रिप्लेस हो गया, अगेन रिप्लेस करेंगे तो ए बी सी यहाँ आ गया, 123 यहाँ चला गया होगा, नाउ 123 यहाँ पर है, ए बी सी यहाँ, मैं अगर अगेन करूँगा रिप्लेस तो 123 यहाँ जाएगा और ए बी सी यहाँ आ जाएगा, मैंने कहा रीड, तो ये 123 यहाँ है। इस तरह से मैंने रिप्लेसिंग की, तो आपको बताया कैसे आप टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड को सेट कर सकते हैं एज वेल एज आप उसको रीड कर सकते हैं और गेट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिसको मैंने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो और भी यहाँ पर मेथड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल डॉट सेलेक्ट ऑल मेथड, तो ईमेल में आप जो भी लिखे हैं उसको वो सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, तो यहाँ आप देखोगे कि मैंने कहा सेलेक्ट, कुछ है नहीं तो सेलेक्ट हुआ होगा, दिख नहीं रहा हमको, मैंने कहा कुछ हमने लिखा है यहाँ पर, हमने कहा बटन को प्रेस किया तो ये जो ईमेल है वो सेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है, हो जाता है, कलर आपको नहीं दिख रहा पर वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं, ओके, ईमेल डॉट कॉपी, डन। तो ये था टेक्स्ट फील्ड और जे टेक्स्ट फील्ड के बारे में, तो ठीक है, इतना काफ़ी है इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपके लिए एक असाइनमेंट था लास्ट वीडियो में, आई होप उसको हम लास्ट वीडियो में जो हमने असाइनमेंट आपको दिया हुआ था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, डन। तो इतना काफ़ी है टेक्स्ट फील्ड और जे टेक्स्ट फील्ड में, इतना इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब एप्लीकेशन, तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए जो एक ज़रूरी जो लेआउट है वो है ग्रिड लेआउट, ठीक है, ग्रिड लेआउट नहीं, सॉरी, लेआउट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मैंने कहा लेआउट मैनेजर, लेआउट मैनेजर, तो ये रहा लेआउट मैनेजर, तो यहाँ पर ग्रिड बैग लेआउट, ओके, तो ये रहा ग्रिड बैग लेआउट, जो कि फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है और अच्छा फॉर्म इससे क्रिएट कर सकते हो। ग्रिड बैग लेआउट के बारे में भी हम पढ़ेंगे और फॉर्म को क्रिएट